छुट्टियों का सीजन है, क्रिसमस से लेकर न्यू ईयर तक स्कूल कॉलेजों की छुट्टी होती है, तो इस समय ज्यादातर परिवार घूमने निकल जाते हैं। पिछले कई दिनों से दिल्ली से पहाड़ों पर जाने वालों की खबरें सामने आ रही है। दरअसल छुट्टी पड़ी तो पूरा मैदान में रहने वाला उत्तर भारत पहाड़ों पर बर्फबारी देखने के लिए पहुंच गया। आलम यह है कि पहाड़ के संकरे रास्ते पर भी मीलों लंबे जाम लग रहे हैं। अब घंटों जाम में फंसे रहेंगे तो कुछ ना कुछ करके आगे निकलने की सोच बार बार दिमाग में आती ही रहती है। मनाली के जाम में फंसे एक शख्स के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। लंबे ट्रैफिक जाम से बचने के लिए एक पर्यटक ने हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति रोड के किनारे बहती चंद्रा नदी में ही अपनी गाड़ी उतार दी। अचानक से नदी में गाड़ी चलते देख दूसरे पर्यटकों ने वीडियो रिकॉर्ड कर लिया और उसे तुरंत अपलोड कर दिया, जो वायरल हो गया। जब पुलिस ने वीडियो देखा तो उन्होंने थार ड्राइवर का चालान काट दिया और अगली बार कोई पर्यटक ऐसा कुछ न करे इसलिए उन्होंने उस स्थान पर पुलिस वालों को तैनात कर दिया। जानकारी के अनुसार पिछले 3 दिनों में 55,000 से अधिक कारें रोहतांग में अटल टनल से होकर गुजरी हैं। एक न्यूज एजेंसी के मुताबिक लाहौल जिले के SP मयंक चौधरी ने कहा कि वायरल वीडियो में दिख रही कार का मोटर वाहन अधिनियम 1988 के तहत चालान किया गया है और भविष्य में लोग ऐसे अपराध ना करें इसलिए हमने उस स्थान पर कुछ पुलिसकर्मी तैनात किए हैं। वहीं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य स्थिति को काफी अच्छे से संभाल रहा है। देखिए, हमारी संस्कृति है कि टूरिज्म बढ़े, पर्यटक आए, हिमाचल की संस्कृति से रूबरू हो, देव अतिथि का ज्ञान हो। इस दृष्टि से पहली बार हिमाचल प्रदेश में 25 दिसंबर से लेकर 4 जनवरी तक विंटर कार्निवल का ऑर्गेनाइज किया जाएगा और हर साल किया जाएगा। कितना महत्वपूर्ण सर, भारी टूरिस्ट आया है हिमाचल प्रदेश में, किस तरह के इंतजाम आते हैं, क्या उनको टूरिस्टों के लिए हमने 24 घंटे ईटिंग ज्वाइंट खोल दिए है, यानी रेस्टोरेंट ढाबा जो भी खाने की चीजें है उस पर कोई पुलिस वाला नहीं पूछेगा, ये पूरी तरह खोल दिए गए हैं और ये इनको 20 दिसंबर से 5 जनवरी तक खुला रखने के आदेश दिए गए हैं। नए साल के जश्न से पहले हिमाचल प्रदेश का पर्यटन स्थल कुल्लू मनाली पर्यटकों से भर गया है। मौजूदा स्थिति ये है कि होटल 95% से ज्यादा भर चुके हैं और सड़कों पर लंबा जाम लग गया है। जानकारी के मुताबिक अब तक 1.5 लाख से ज्यादा पर्यटक यात्रा कर चुके हैं, जो कहीं ना कहीं मनाली के पर्यटन उद्योग के लिए एक अच्छी खबर है। बढ़ते पर्यटकों को नियंत्रित करने के लिए कुल्लू पुलिस द्वारा पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। कुल्लू मनाली के पर्यटक स्थलों पर अब पुलिस होमगार्ड के साथ अतिरिक्त पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं।